कैसे हो बेटा? बेटा प्रोजेक्टाइल वाले ही टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर बेटा हमने एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखा था, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा जिसमें थीटा क्या था, वो एंगल था जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल के साथ फेंका था, क्लियर है? अच्छा, इसमें शायद हमने एच मैक्सिमम भी निकाल दिया था। एच मैक्सिमम के लिए बेटा हमने कंडीशन क्या लगाई थी, सेम हाइट से, सेम वर्टिकल पोजीशन से, सेम वर्टिकल पोजीशन तक की थी, क्लियर है बेटा? कैसे निकाला था आपने एच मैक्स? देखो हमने क्या किया था बेटा, अगर आपको याद हो तो हम लिखा था डेल्टा एस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव किया था। और फिर हमने लिखा था वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स, यही लिखा था बेटा कि नहीं? यहां से एच मैक्स कितना आया था बेटा, ये आया था यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। इसी को बेटा मैंने दूसरे तरीके से भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो। क्लियर है कि नहीं है बेटा? क्लियर है? इधर देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था बेटा, क्या आया था? इसको मैं लिखा था डेल्टा एस वाई जीरो, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे पंगा हो रहा है। इसके लिए हमने लिखा था वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है बेटा? बी वाई जीरो है, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हमने ये लिखा था बेटा। किसके लिए? मैक्सिमम हाइट के लिए। आगे बात क्लियर है, ये जीरो हो गया था बेटा, यहां से सॉल्व होके आ गया था। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था बेटा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था कि नहीं बेटा? नहीं निकाला था तो हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इधर बेटा, आपने प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक फेंका, क्लियर है बेटा? ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम, और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। आपने बेटा यहां पर इसको यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर थ्रो किया था, क्लियर है? आगे बात, अब यहां बेटा हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो जहां से आपने फेंका था वही वापस आ गया, तो क्या डेल्टा एस वाई जीरो हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, डेल्टा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर निकाल लिया था बेटा तो कोई छापने की जरूरत नहीं है, ये आपका जीरो हो जाएगा बेटा। यहां से हमने सॉल्व किया था टी की दो वैल्यू बेटा, या तो टी इज इक्वल टू जीरो आएगा, और इसमें से लिखो बेटा कैसे लिख सकते हो आप, टी कॉमन लोगे, आप लिखोगे यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अब टी बचेगा बेटा और ये जीरो है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, आइदर टी इज इक्वल टू जीरो, आइदर टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू कितना बेटा, टू यू वाई वाई ए वाई, और यहां बेटा साइन माइनस का। इसमें प्रॉपर साइन के साथ आपको रखनी थी चीजें, क्लियर है? मैंने कहा था साइन इग्नोर कर दो तो ये आ जाता बेटा, क्लियर है? तो टी कितना आ गया बेटा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी इज इक्वल टू टू यू वाई वाई ए वाई। बेटा साइन इग्नोर करके लिख रहा हूं मैं, क्लियर है कि नहीं है? तो ये तीन डेरिवेशन शायद हमने कल कर लिए थे, ये बेटा आपको याद होने चाहिए, क्लियर है? अगला लिखो बेटा रेंज, रेंज हॉरिजेंटल रेंज लिखो बेटा। हॉरिजेंटल रेंज क्या था बेटा, अगर आपको याद हो, डिफाइन क्या किया था हमने, वो टाइम वो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जब तक वो एयर में रहता है, क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात देखो इधर ध्यान से,
अगर आप लिखना चाहो बेटा तो रेंज इजिकल टू आएगा बेटा आपका यू एक्स इंटू टी। देखो बेटा यू एक्स चेंज नहीं होता, क्लियर है बेटा कि नहीं है? यू एक्स इंटू टी लिखा बेटा, देखो ध्यान से यहां से बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना यू एक्स और टी बेटा ये रहा आपका टू यू आई वाई जी या ए वाई कर लेंगे बेटा, जी आ गया यहां पर। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया यू एक्स टू यू एक्स यू आई वाई जी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इसको आप लिख सकते हो टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी लिखा जा सकता बेटा। इसको आप लिख सकते हो टू यू स्क्वायर, देखो बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा बेटा ये होता था साइन टू थीटा बाई जी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात? ये हो गया बेटा आपका रेंज, क्लियर है? छापो इसे, छाप लिया बेटा, जल्दी छापो। अब कुछ बातें बेटा हम आगे इसी में लिंक करेंगे, फिर सवालों पर आएंगे। देखो इधर ध्यान से, क्या आप बोल सकते हो बेटा h थीटा चेंज h थीटा चेंज h फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ u? बेटा u की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया और थीटा को चेंज कर रहे हैं, क्या ये बोल रहा है r भी चेंज होगा? r विल चेंज। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आर विल चेंज। इधर देखो बेटा, तो आर मैक्सिमम कब होगा? हमने यू फिक्स कर दिया बेटा, जी फिक्स होता है, तो आर मैक्सिमम जब होगा व्हेन साइन टू थीटा क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात देखो ध्यान से, अगर साइन टू थीटा बेटा मैक्सिमम हो जाए तो, और ये मैक्सिमम कितना होता है बेटा, वन होता है कि नहीं? साइन की वैल्यू बेटा माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में ही लाई करती है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा आगे, इससे आगे देखो, साइन टू थीटा इजकल टू वन बेटा, इसका मतलब टू थीटा इजकल टू 90 डिग्री, इसका तो थीटा इजकल टू कितना बेटा 45 डिग्री, या इसी को बोल सकते हो आप पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब देखो ध्यान से, तो आर मैक्सिमम आएगा कितना बेटा, आर मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। आर मैक्सिमम कितना बेटा, यू स्क्वायर बाई जी, छाप जाओ। छाप लिया बेटा। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, यहां पे बेटा मैं r की वैल्यू भी लिख देता हूं। r इज कर लो कितना, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। क्लियर हुआ कि नहीं? रफ करूं बेटा, देखो लिखो बेटा क्वेश्चन हेडिंग, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इन तीनों बेटा हमें रिलेशन निकालना है, क्लियर है? इधर देखो बेटा,
ये एच मैक्सिमम है, ये टाइम पीरियड है। मैंने क्या बोला, चलो ऐसा करो आप लिखो एच मैक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, क्या ये लिखा जाएगा बेटा यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी डिवाइडेड बाई बेटा टी का स्क्वायर, फोर यू वाई स्क्वायर बेटा, ये भी क्या है, जी है कि नहीं है, तो जी स्क्वायर, क्लियर है बेटा कि नहीं है। देखो इधर ध्यान से, ये मर जाएगा एक जी से, एक जी मर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये आएगा बेटा जी बाई एच आएगा, ये कितना आ गया बेटा एच मैक्स इजकल टू जी बाई एट स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा लिखने के तरीके बेटा हम क्या लिख देते, ध्यान से देखो, इसको 4 × 2 लिख सकते थे, 4 इधर ले आओ, इसको ऐसे इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर वाला टर्म हम पहले देख चुके हैं, तो थोड़ा सा याद करने में आसान हो जाता है, क्लियर है कि नहीं है। 4H max इजकल टू कितना बेटा जी टी स्क्वायर बाई हाफ जी टी स्क्वायर बोलो आप, क्लियर है। एक रिलेशन तो बेटा ये बन गया, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो या इसी को लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो मैंने लिखा, चलो आप अगला स्टेप लिखो एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर, तो ये कितना था बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और ये रेंज था बेटा, ये कितना था, ये था टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, है कि नहीं है, देखो ध्यान से। अरे इसी को तो लिखा था बेटा, पीछे वाले रेंज का डेरिवेशन देखोगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा, परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। तो भैया ये दोनों मर जाएंगे, ये मर जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा मर जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, क्या यह आ जाएगा साइन थीटा, ये टू नीचे आएगा बेटा फोर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात, यहां से बेटा अगर हम बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं टेन थीटा इन डिवाइडेड बाई फोर लिखा जा सकता है कि नहीं बेटा, क्लियर है। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं फोर एच मैक्स इजकल टू आर टेन थीटा इजकल टू आर टेन थीटा, इसको बेटा नाम दिया हमने इक्वेशन टू। क्या फ्रॉम वन एंड टू कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हो आप बेटा कि नहीं, क्या कंक्लूजन बना, देखो क्या बना बेटा, 4H max इजकल टू जीट बाई हाफ जी टी स्क्वायर इजकल टू आर टेन थीटा, ये बना बेटा कि नहीं बना, जल्दी बोलो, क्लियर है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको आप याद कर लो, हाँ लेकिन ये ऐसा है बेटा, अगर याद कर लिया ना तो जिंदगी में बहुत सारी आसानियां मिलेंगी हमें क्वेश्चन करने, जिंदगी मतलब क्वेश्चन ही अपने आप को, आजकल न्यूमेरिकल ही अपनी जिंदगी है, क्लियर है, छाप लो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा हम यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं, और
पहला कंक्लूजन देखो एक बार ध्यान से देखो कि अगर किसी का किसी दो प्रोजेक्टाइल का किसका बेटा किसी दो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, क्या सेम है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तो उनकी मैक्सिमम हाइट और उनका टाइम पीरियड भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्लियर है कि नहीं है? या आप ऐसे बोल लो, अगर दो पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है तो भैया उनकी मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्लियर है? लिखो बेटा कंक्लूजन, कंक्लूजन आप ये कंक्लूजन यहां से भी निकाल सकते थे बेटा। देखो ध्यान से, एच जो डिपेंड कर रहा था ना बेटा वर्टिकल वेलोसिटी पर ही था, वर्टिकल वेलोसिटी पर ही था, और टी भी किस पे था बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी पर ही था। यहां से भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो लिखो बेटा कंक्लूजन, अगर दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो उनका टाइम पीरियड, तो उनका टाइम पीरियड और मैक्सिमम हाइट अटेंड भी सेम होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड भी सेम होगा। लिखा बेटा इसी मोर लिख दो, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा। लिखा बेटा अगला लिखो, अगर मैक्सिमम हाइट सेम है, अगर मैक्सिमम हाइट सेम है, मैक्सिमम हाइट सेम है, तो उसका टाइम पीरियड और वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा। मतलब तीनों में से कोई एक चीज है बेटा बराबर, तो बाकी दो क्या होंगे, बराबर होंगे। बस ये बात मैंने लिखाई है। क्लियर है? अब देखो सवाल, देखो कैसे सवाल हो सकता बेटा, लिखो छोटा सा क्वेश्चन इस पे, छोटा सा सवाल लिखा जाए बेटा इस पे। सवाल क्या है देखो, हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये U1 से फेंका बेटा और ये U2 से फेंका, ठीक है, ये पहला है ये दूसरा है, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, मान लो बेटा ये एच मैक्स है। बताओ ऑप्शंस लिख दो बेटा, पहला T1 इज इक्वल टू T2, दूसरा T1 लेस देन T2, तीसरा T1 ग्रेटर देन T2, चौथा मन्ने कोनी बेरा। सोचो और जवाब दो। क्लियर है बेटा? क्या दोनों केस में बेटा मैक्सिमम हाइट सेम है? चाहे आप इस फार्मूले का यूज कर लो, देखो इधर आप लिख सकते हो फोर H1 इज इक्वल टू G बाई टू T1 का स्क्वायर, और 4H2 इज इक्वल टू G बाई टू T2 का स्क्वायर बेटा, और H1 और H2 क्या बेटा बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? G बाई टू कट जाएगा बेटा, T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा कि नहीं? क्लियर बात हुई बेटा कि नहीं? आगे बात, अरे बोलो, इधर देखो दूसरी कहानी, सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, फॉर एबव डायग्राम, फॉर एबव डायग्राम
पहला ऑप्शन यू वन इजिकल टू यू टू, दूसरा ऑप्शन यू वन लेस देन यू टू, तीसरा ऑप्शन यू वन ग्रेटर देन यू टू, चौथा फिर से वही मन्ने कोनी बेरा। जवाब दो सोच समझ के, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आपके तरफ से ही आएगा और आना भी चाहिए, मंदबुद्धि तो हो नहीं। कि लॉकडाउन में दिमाग भी का लॉकडाउन लगा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना बेटा। देखो कई सारे तरीके हैं बेटा कंपैरिजन के, कई सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीका है। देखो बेटा पहला तरीका हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, रेंज से। देखो R1 होगा बेटा आपका UX1 into T, और R2 कितना होगा बेटा UX2 T होगा बेटा। हमने ऐसे रेंज निकाला था पीछे, अगर आपको याद हो, क्लियर है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है R2 इज ग्रेटर देन R1, तो बेटा क्या यहां से आ जाएगा UX1 इज ग्रेटर देन UX2 कि नहीं। आगे बात बेटा, अब देखो बेटा दोनों का UY1 इक्वल टू UYT, Y2 तो बराबर ही है और X वाला कंपोनेंट 1 का ज्यादा है बेटा, एक मिनट, 2 का रेंज ज्यादा है ना, तो 2 ज्यादा आएगा, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक, क्लियर बेटा। तो 2 वाले का बेटा क्या है, X कंपोनेंट ज्यादा है और दोनों के Y कंपोनेंट है सेम, तो 2 वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, नेट ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि V नेट होता बेटा आपका, U की वैल्यू कितनी होगी आपकी, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। देखो बेटा जब 1 लिखोगे आप तो यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, ठीक है। जब 2 लिखोगे बेटा आप, यहां 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, तो ये वाला तो बराबर है और 2 का ये वाला कंपोनेंट क्या है बेटा, ज्यादा है, तो यू टू क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन यू वन होगा कि नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन छाप लो, ये एक्सप्लेनेशन छाप लो बेटा, और फिर हम बात करेंगे आगे। आगे क्या बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा भाई। लिखा बेटा सबने लिखा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बेटा, इसको बेटा हम मान लेते हैं थीटा वन और इसको हम मान लेते हैं बेटा थीटा टू, ये कंप्लीट थीटा टू, अच्छा उल्टा मान लेते हैं, ये थीटा टू है ये थीटा वन, ठीक। क्या बेटा यू वन साइन थीटा वन और यू टू साइन थीटा टू क्या है बेटा, बराबर है कि नहीं है, क्योंकि भैया वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का क्या है, बराबर है, ये बात प्रूफ हो चुका है, इसको प्रूफ करने की फिर से कोई जरूरत बच नहीं रही है, क्लियर बेटा। क्या इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू इजिकल टू यू टू डिवाइडेड बाई यू वन। इसको देखो बेटा थीटा जो होता ना बेटा, साइन जो होता ना बेटा, वो इंक्रीज करता है इफ इफ थीटा जीरो टू 90 की तरफ जाए। तो बेटा थीटा वन क्या है इसमें, आप साफ साफ देख सकते हो थीटा वन थीटा टू से क्या है, ज्यादा है। तो क्या ये कंक्लूजन यहां से बना सकते हो बेटा, साइन थीटा वन इज ग्रेटर देन साइन थीटा टू, तो बेटा ये क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू वन आएगी कि वन से बड़ी आएगी, वन से बड़ी आएगी, तो मैं बोल सकता हूं साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू इज ग्रेटर देन वन, क्लियर बेटा। अब इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो तो यू टू बाई यू वन इज ग्रेटर देन वन, क्या इंप्लाइज किया बेटा इसने, यू टू ग्रेटर देन यू वन, यही हमने टेक
लगा रखा है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब आपको जो भी मेथड समझ में आया हो, जो भी मेथड सूत्र लगा हो, क्लियर है बेटा, आप उसको सॉल्व कर लो। मतलब सॉल्व तो दोनों कर लो, उससे आप समझ लेना, मर्जी है आपकी बेटा। आपको कंप्लीटली फ्री कर दिया है मैंने। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। लिखो बेटा, अ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। लिखा बेटा, सच एज इट्स हाइट इज 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट की बात चल रही है, 20 मीटर। एच मैक्स कितना बेटा? 20 मीटर है। आगे बात, और हमें बेटा थीटा कितना गिवन था हॉरिजॉन्टल के साथ? 53 डिग्री। क्लियर हुआ? लिखो बेटा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट एंड ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। रेंज ऑफ द पार्टिकल, देखो बेटा, हमें एच मैक्स गिवन है, थीटा हमें गिवन है, हमने लिखा एच मैक्स की वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा? ये कितना आया था? क्या ये आया था यू वाई स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, अब यहां से बेटा मैं सॉल्व करूं तो लिखूंगा यू साइन 53 का स्क्वायर, अरे यू आई इतना ही होगा बेटा, डिवाइडेड बाई 20, अरे 2g 2 × 10 इक्वल टू कितना बेटा? 20। क्लियर है? तो यू साइन 53 इक्वल टू कितना बेटा? 20, अरे 20 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा साइन 53 कितना होता है? ये होता है 4/5 इक्वल टू 20 होगा बेटा। क्लियर है? तो यहां से बेटा यू की वैल्यू कितनी आई? 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब इधर देखो, अब आप चाहो तो ना बेटा, अब आप चाहो तो रेंज और मैक्सिमम हाइट हमें गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो बेटा। टी इक्वल टू कितना आएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ जाएगा 2 UI/G, कुछ इतना ही आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अरे बोलो 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 बोलो, यही आएगा बेटा। देखो UI कितना होगा बेटा आपका? 2 U 25 साइन 53 डिवाइडेड बाई 10, 5/2। क्लियर बेटा? ये आ गया आपका साइन 53 कितना होता है बेटा? 4/5, तो ये आ गया 4 सेकेंड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? इधर देखो बेटा, आपका रेंज होता था बेटा 2 U² साइन थीटा या साइन 53। देखो बेटा चीज ध्यान से देखना भी, कॉस 53 डिवाइडेड बाई कितना? जी, ये 2g था, U² साइन 2θ/g। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, अरे बोलो, नहीं आई क्या बात समझ में बेटा? इतनी बात तो समझ में आ गई ना? देखो इधर बेटा, अगर यहां पर मैं साइन 2θ वाला कॉन्सेप्ट लिख देता तो ऐसा नहीं था कि सॉल्व नहीं होता, लेकिन बेटा साइन 2θ लिखते से ही जो एंगल बनता वो बनता साइन 106।
बेटा उसकी वैल्यू हमें याद नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो थोड़ा सा दिमाग चलाते रहना कि साइन टू, अब मान लिया मैंने थीटा 15 डिग्री दिया होता बेटा तो मैं ये नहीं लिखता। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे साइन 15 कॉस 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन उसका डबल करके 30 हो जाएगा तो बेटा साइन 30 की वैल्यू हमें पता है। तो ये चीज थोड़ा सा पैरेलल दिमाग में अपने रखना है, प्लीज ये बात याद रखना, क्लियर है? तो ये कितना आ गया बेटा, देखो इधर 2 इंटू वी, यू कितना आया था बेटा 25 आया था ना, यू कितना आया था 25, तो 25 इंटू 25, क्लियर बेटा? ये 4/5, ये 3/5, क्लियर बेटा? डिवाइडेड बाई कितना, 10। देखो बेटा ये मर जाएगा आपस में, यहां आएगा 5, यहां आएगा 2, ये मर जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करना अपने को 5 × 4 × 3 तो कितना हुआ बेटा, 60 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? क्या हमने दोनों वैल्यू निकाल दी बेटा कि नहीं? अब इधर देखो, अगर आप मेरे मेथड से चलोगे तब बेटा, लेकिन ये याद रखना 4h max हाफ GT² इजकल टू आर टेन थीटा। इधर देखो एच मैक्स 20 था कि नहीं था बेटा, पुट करो 80, 160, क्लियर बेटा? अरे ये 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एच मैक्स को 20 पुट करोगे बेटा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बेटा, 160, और फिर 10 से डिवाइड हुआ कितना बेटा, 16। तो T² कितना, 16। तो क्या इंप्लाइज करता है, T = 4 आ गया। मैं यही तुम्हें बोल रहा था कि अगर याद कर लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं बचती है बेटा। फिर ये सॉल्व कर लो, ये 80, ये कितना बेटा, 80 = R 1053 कितना बेटा, 4/3 कटा बेटा 20 × 3 कितना, 60। ये क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ी सी जिंदगी अपनी आसान हो जाएगी और हम जिंदगी आसान करना ही चाहते हैं। एक तो फिजिक्स, उसमें भी ऊपर से न्यूमेरिकल, ऊपर से कहीं मेडिकल बैच, क्लियर है कि नहीं है? तो बिल्कुल पुराने जमाने का एग्जांपल नहीं होता था, एक तो करेला ऊपर से नीब के ऊपर, और आज क्या बोल सकते हो बेटा, पहले ही आपको सांस लेने में तकलीफ, ऊपर से कोरोना हो जाए, कुछ ऐसा ही है ये अगर नहीं पढ़ोगे तो। छाप लिया, क्लियर हुआ बेटा? तो कुछ एक ऐसे रिलेशन आप लगा सकते हो बेटा कि नहीं? आगे बात लिखो, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल के साथ शुरुआत करेंगे, फिर बड़े न्यूमेरिकल की तरफ हम टेंड करेंगे बेटा, ठीक है? लिखो इसमें, लिखो बेटा इसमें, अ पार्टिकल, अ पर्सन कैन थ्रोन A ball, गेंद with a maximum speed of, with a maximum speed of 30 meter per second। लिखा बेटा, क्लियर है? इसमें लिखो आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू हिच ही कैन थ्रो द बॉल। क्लियर बेटा? देखो इधर बेसिकली बेटा कुछ ऐसे पूछा गया है, ये मैक्सिमम पूछा गया, आर मैक्स। तो
आर की वैल्यू होती थी आपकी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और बेटा आर मैक्स कितना होता था यू बाई जी। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता था, कितने एंगल पर फेंके हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, यहां से अगर बात करी जाए तो U की वैल्यू 30 है बेटा, तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया बेटा 90 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? छाप लो, छाप लो बेटा। क्लियर बेटा? अच्छा एक बात सुनो, बात सुना बेटा, देखो ये एच मैक्स होता था कि नहीं बेटा, ये एक अलग चीज है, ये नहीं सोचना है आपको कि यही मैक्सिमम हाइट है। क्लियर है बेटा? लिख लो एक छोटी सी बात, इसको छापने के बाद लिख लेना, फिर इस पर कुछ बातें बता ही देता हूं मैं, नहीं तो पता क्या चला, कंफ्यूज हो गया। लिखो बेटा, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक फेंकना, दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग बातें हैं। देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है ना, प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो उस जर्नी में बेटा जो मैक्सिमम वर्टिकल कोऑर्डिनेट अचीव किया है ना, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अचीव किया ना, वो है। लिख दो, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का मतलब ड्यूरिंग मोशन मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड ड्यूरिंग मोशन, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा उस बीच में कभी भी। क्लियर है कि नहीं है? और एच मैक्सिमम क्या होगा? एच मैक्सिमम होगा बेटा जब आप बिल्कुल वर्टिकल फेंकोगे। लिख लो बेटा, और मैक्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक थ्रो करने की बात करी जाए, किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक थ्रो करने की बात करी जाए, लिखा बेटा, मैक्सिमम हाइट तक थ्रो करने की बात करी जाए तो उसको वर्टिकल फेंकेंगे, तो उसको वर्टिकल फेंकेंगे। इधर देखो, एच क्या होता था बेटा हमारा, अगर एच की बात करी जाए बेटा, तो हमने मैक्सिमम हाइट निकाला था। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, बार बार ये पूछूंगा बेटा मैं आपसे, क्यों? क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो फार्मूला फेल, ऑब्लिक का सेकंड वाला पोर्शन आएगा बेटा तो फार्मूला फेल। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई थी बेटा? जीरो। तो यही तो सॉल्व हो गया था, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है बेटा कि नहीं है? इधर देखो, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर बेटा? अगर हम थीटा वेरिएबल कर दे बेटा, फॉर दैट एच कितना होगा बेटा, एच मैक्सिमम कैन बी अचीव, कैन अचीव, तो वही होगा बेटा, बिल्कुल वर्टिकल फेंकेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर बाई 2g। आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? बोलो। और आर मैक्सिमम कितना बेटा, यू स्क्वायर बाई जी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े हम, इस पे लिखना बेटा, ये तब अचीव होता है जब वर्टिकल फेंका जाए, ये तब अचीव होता है जब वर्टिकल फेंका जाए। इस पे मैं अभी सवाल करवा देता हूं, फिर तुम्हारे समझ में चीजें आ जाएंगी बेटा। लिखा, अरे
एक कीड़ा होता ना बेटा, जो अब आप पता नहीं क्या बोलते हो, राम जी की गाय या राम जी का घोड़ा, क्या बोलते हो, जो भी होता है, क्लियर है? वैसे अंग्रेजी बोलते ग्रास हॉपर, हमारे यहां बोलते बेटा उसे बोका, क्या बोलते हैं, बोका। तो चलो ऐसे लिख लो बेटा, अ ग्रास हॉपर कैन जंप, अ ग्रास हॉपर कैन जंप अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ही कैन जंप इन वन स्टेप। क्लियर बेटा? देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, मैक्सिमम हाइट ये 1 मीटर जंप कर सकता है कब, जब बिल्कुल वर्टिकल कूद जाए, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी कर जाए बेटा, ये यू से जंप कर जाए। ये कहां तक जा रहा है बेटा, 1 मीटर तक। अब यहां बेटा वी कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, क्लियर है? अब मैं इक्वेशन लिखूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो बेटा ये तो हो गया 0, तो यू स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 2gh आया बेटा कि नहीं आया? तो ये 1 है, ये 2 है बेटा, ये आ गया 20 यू स्क्वायर की वैल्यू। मतलब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है बेटा, यू की वैल्यू √20। अब इधर देखो बेटा, आर होता था यू स्क्वायर साइन 2θ/g, होता था बेटा कि नहीं, क्लियर है? अरे बोलो, अरे यही तो ट्राई किया था बेवकूफो आर के लिए, यू एक्स इंटू टी, क्लियर है? और ये टी कितना था, 2ui/g, तो यही तो सॉल्व होके आया था कि नहीं आया था बेटा, क्लियर है? तो आर मैक्सिमम कब होता है बेटा, जब ये आ जाए यू स्क्वायर बाई जी आ जाए, साइन 2θ की वैल्यू 1 हो जाए बेटा, क्लियर है? देखो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई कितना, 10, कितना आ गया बेटा, क्या 2 आ गया कि नहीं आ गया? इधर देखो ध्यान से, ये चीज हम यहां भी कर सकते हैं बेटा, एक्स मैक्सिमम कैन अचीव कितना, ई स्क्वायर बाई 2g, यही देखो बेटा, क्या 2h मैक्सिमम कैन अचीव बेटा, ये जो वर्टिकल फेंकेगा था इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और यही क्या था बेटा, आर मैक्स था कि नहीं था? अगर ये छोटी सी बात मेमोराइज रह जाए ना, तो ये सवाल और नहीं था। ट्वाइस क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या एच मैक्सिमम कैन अचीव, क्लियर है बेटा कि नहीं है? छाप लो, वो छाप लो, और फिर एक लाइन में एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें। फिर लिख लिया, लिखो बेटा, लिखो, अ पर्सन कैन थ्रोन अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, 50 मीटर करो, अ पर्सन कैन थ्रोन अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर हिम? आंसर बेटा 100 मीटर है कि नहीं है, लिख दो बेटा सॉल्यूशन। मैक्सिमम हाइट तब अचीव कर पाएगा जो वर्टिकल फेंकेगा, और आर मैक्सिमम एच मैक्सिमम अचीव का डबल होता है, तो ये होगा बेटा 100 मीटर, ये होगा कितना, 100 मीटर। और अगर आप चाहते हैं, आपका बहुत मन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है? बस यहाँ क्या रखोगे आप, h की जगह पर 50 रखोगे, मतलब कर लेना यार, ठीक है? तुम्हारे मन के ऊपर है, बहुत ज्यादा मन कर रहा हो तो कर लेना। रफ करो बेटा, लिखो अगला सवाल बेटा, A ball is thrown such as
its maximum height is, its maximum height is twice, maximum height is twice as range. Clear it up. Find the angle of projection. क्लियर बेटा, एच जो मैक्स है ना बेटा वो ट्वाइस ऑफ रेंज है। हमसे पूछा गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बता दो कितना होगा, तो पहले बड़े वाले मेथड से एच मैक्स लिखिए बेटा। एच मैक्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगा था फिर से पूछूंगा बेटा, यू आई जीरो था कि नहीं था। क्लियर बेटा, मतलब वी वाई जीरो बोलो आप, ये आएगा यू आई स्क्वायर बाई 2g आएगा, और r कितना आया था बेटा 2ux ui by g, यही था बेटा कि नहीं था। क्लियर है, इधर देखो एक ui से एक ui मर गया। अच्छा ये तो बेटा रेंज था, ये ट्वाइस ऑफ रेंज है कि नहीं, एक g से एक g भी मर गया। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, यहां कितना आ गया, क्या ये आ गया यू आई इजिकल टू 8 यू एक्स आया बेटा कि नहीं आया। यू आई कितना बेटा, यू साइन थीटा इजिकल टू 8 यू कॉस थीटा। क्लियर है, यू से यू मर गया बेटा, ये यू था, 4 मत समझ लेना। ये आ गया 10 थीटा इजिकल टू कितना बेटा 8, तो थीटा इजिकल टू कितना बेटा, थीटा इजिकल टू कितना 10 इनवर्स ऑफ 8 बेटा। 10 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो कतई दुखी होने वाली बात नहीं है कि ये कैसे हो गया, आज तो मजा आ गया, तो मजा नहीं आया है, समझो इसे। अब देखो बेटा मैं अपने तरीके से बोलूंगा, r tan थीटा इजिकल टू 4h इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, खत्म सवाल। क्लियर बेटा, एच कितना बेटा 2r है कि नहीं है, तो r tan थीटा इजिकल टू 8r हो गया बेटा कि नहीं हो गया, खत्म। सेकेंड मेथड ये रहा। अब देखो बेटा इसमें मैं आपसे 20 सवाल करवा सकता हूं, वो एंगल बता दो जब रेंज और हाइट मैक्स बराबर हो जाए, वो एंगल बता दो रेंज हाइट का डबल हो जाए, वो हाइट बता दो रेंज हाफ हो जाए, कुछ भी पूछ सकता हूं, कुछ भी ऐसे। ये 2 की जगह पे मैं अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू रखूंगा और सवाल पूछे जाएंगे आपसे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या आप इस पे अब अपने आप 8-10 सवाल बना सकते हो कि नहीं। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, पक्की बात, आगे बढ़े। अरे बोलो 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 बोलो, समझ में तो आ गई होगी ना बेटा ये बात, छाप लो दोनों मेथड, छाप लेना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड छापो दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। रफ करो, देखो बेटा लिखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी थ्री आई प्लस 6j प्लस 4k। क्लियर बेटा, 3i प्लस 4j सॉरी 6k 6j प्लस 4k लिखा बेटा, लिखो वेयर j इज अ वर्टिकल एक्सिस, वेयर j इज वर्टिकल एक्सिस, फाइंड द सब कुछ, मतलब बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज और मैक्सिमम हाइट अचीव, फाइंड द सब कुछ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बेटा मीटर पर सेकेंड में है, अगर कर दिया ना बेटा तो मतलब दिमाग सच में चलता है।
ट्राई करो, ट्राई करो, स्क्रीन रोको थोड़ी देर के लिए और ट्राई करो। देखो मैं अब तुम्हें समझा पाऊंगा कि मैं हर फॉर्मूले को बोला था ना x और y के फॉर्म में याद करो बेटा। ये x एक्सिस हुआ बेटा, ये y एक्सिस हुआ, ये z एक्सिस हुआ, ठीक है। तो बेटा ये और ये हॉरिजॉन्टल ही है कि नहीं है बताओ। और ये क्या बेटा, वर्टिकल है। तो देखो v हॉरिजॉन्टल कितना हुआ बेटा, वो vx का मतलब क्या था उसमें, हॉरिजॉन्टल था। v हॉरिजॉन्टल कितना बेटा, रूट में 3² + 4² कितना आ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। और v वर्टिकल कितना है बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो रेंज 2 u हॉरिजॉन्टल u वर्टिकल डिवाइडेड बाय कितना बेटा, वो x तो हमने एक ही एक्सिस लिया था ना बेटा, x मतलब हॉरिजॉन्टल था वहां पर, u हॉरिजॉन्टल u वर्टिकल y g। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात बोलो बोलो बोलो। तो ये कितना आ गया बेटा, 2 × 5 × 6 / 10, ये मर गया, आ गया बेटा 6 मीटर। क्लियर है कि नहीं है, देख लो बेटा। अब अगर कहीं आपको एंगल एंगल निकालना पड़ जाता ना बेटा, तो पता आपको एंगल कौन सा चाहिए था, इसमें एंगल आपको चाहिए होता ना बेटा, अगर आप लिखते ना साइन थीटा कॉस थीटा बेटा, थीटा बेटा एक्स जेड प्लेन के साथ वेलोसिटी ने कितनी एंगल बनाई है, वो एंगल होता। सोच के देख लो एक बार, लंका लगती दिखेगी भाई। इसलिए बेटा आपको बोला गया है बार बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला भी याद करो भैया, जो हमें गिवन होगा, जिस फॉर्मेट में हमें गिवन होगा बेटा, और जिससे हम आसानी से कर सकते वही याद करके करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम साइन थीटा वाला याद ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सवाल, हम इसी से करेंगे। नहीं भैया, हमें थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू अपने लिए इजिली अवेलेबल है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से चलेंगे। अदरवाइज हमें अगर अलग अलग कंपोनेंट गिवन है बेटा, तो इस तरीके से चलेंगे। अब मेरे हिसाब से बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी दो पार्ट आप कर लेना फार्मूले में पुट करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आज हम इतना ही करेंगे।